आंटी, हम दोनों उस रोमांटिक कपल की तरह है जिनके मन में प्यार है, जस्ट लाइक रोमियो जूलियट। झुमका कहाँ गया? कक्षा में रह गया। ये इस साल क्या हो रहा है इस विद्यालय में? ऐसे असभ्य विद्यार्थी मैंने पिछले 12 वर्षों में नहीं देखे। पता नहीं इनके माँ बाप इन्हें संस्कार देते भी हैं या नहीं। इस कमरे की सफाई आपने करवाई? जी मैडम। कोई सोने का झुमका मिला है आपको? जी नहीं। ठीक। गोइंग गुड। अभी स्टूडेंट्स का स्टैमिना बिल्ड करना है थोड़ा। इट टेक टाइम। ये कामिनी मैम क्लासरूम में क्या ढूंढ रही हैं? मैम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? जी हाँ, मैं अपने कान का झुमका ढूंढ रही हूँ। झुमका? जी। लेकिन आपका झुमका यहाँ कैसे गिरा? क्या बताऊँ आपको कार्तिक जी, बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। आजकल के विद्यार्थी बिल्कुल असभ्य और अशिष्ट हैं, सब के सब। मैम, पर हुआ क्या है? एक नई विद्यार्थी आई है आज, एंजेला। उन्हें मैंने गलती करते हुए देखा तो मैंने उनका कान पकड़ लिया। आप विश्वास करेंगे, उस विद्यार्थी ने। और ये सब आपने किया है ना? अब तो चलिए मेरे साथ। आप तो चलिए मेरे साथ। उसने आपका कान पकड़ा? आप सोच सकते हैं कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक से ऐसा बर्ताव करे? मैम, आई नो उस स्टूडेंट ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, पर मैम मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। न्यू लॉज के हिसाब से कोई भी अध्यापक किसी स्टूडेंट को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई चाहे तो वो अपने टीचर के प्रति कंप्लेन भी कर सकता है। कैसी बात कर रहे हैं ऋषभ जी? हाँ, अपने इस 12 वर्ष के कार्यकाल में मुझे कई बार विद्यार्थियों को समझाने के लिए छड़ी भी उठानी पड़ी है। दंड देना कभी कभी अनिवार्य हो जाता है उनकी भलाई के लिए, उन्हें समझाने के लिए। आपने कभी छड़ी नहीं खाई? मैम खाई है, पर मैम वो दौर अलग था। कृपा करके ऋषभ जी मुझे कानून मत सिखाइए, मैं जानती हूँ। बहलाल, जाने दीजिए इस बात को। मेरा सोने का झुमका नहीं मिल रहा है, मदद करेंगे कृपा कर। अन्वेषा मैम, मुझे आपसे एक अति आवश्यक बात करनी है। ये जो नई विद्यार्थी आई हैं एंजेला, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उनकी एक गलती पर मैंने उनके कान पकड़े तो उस विद्यार्थी ने वापस पलटकर मेरा कान पकड़ लिया। Really? और मेरे साथ बहुत ही बुरे स्वर में बात भी की। ठीक है, मैं देखती हूँ, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आई होप कल की पनिशमेंट से लड़कों को कोई सीख मिली होगी, क्योंकि अगली बार कुछ ऐसा हुआ, I promise you, the punishment will be even more harsh.
आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एट द परफॉर्मेंस ऑफ टैगोर हाउस. ये हाउस हमेशा आगे रहा है, बट दिस ईयर और सारे हाउसेस आपके आगे निकल गए. उन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप और एनुअल डे की तैयारी शुरू कर दी है. और सिर्फ तैयारियां शुरू नहीं की है, दे हैव आल्सो स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. आपका सीनियर आयाज ऑलरेडी स्कूल से रस्टिकेट हो चुका है. एंड ऑल ऑफ यू, आपने पार्टीज और अल्कोहल पे फोकस किया है. नथिंग हैज हैपेंड इन दिस हाउस. आई लाइक टू रिमाइंड यू कि एनुअल डे पास आ रहा है और आपके मिड टर्म एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं. सो यू विल हैव टू बैलेंस द टू. ऑल आई कैन से इज परफॉर्म वेल एंड बी द बेस्ट. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू योर न्यू मेंबर ऑफ द स्कूल. Angela, please step forward. I'd like to introduce to you Angela Fernandez Ravani, the new member of Tagore House 2015. I would also request you to help her. Angela, you will have to work very hard for your midterm tests. Angela, I want to see you in my cabin after assembly. Okay, ma'am. That's all for today. मेरे साथ बदतमीजी करके तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया है एंजेला. अब इस विद्यालय में अपने पहले ही दिन से सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ.